हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, दिस इज ए कंप्यूटर सीरीज फॉर दी जीओआईटी एग्जाम, जो कि फिलहाल मार्च की किस तारीख को होना है। ऑलरेडी इसमें जो है 11 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं इसी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम जो है सबसे पहले जान लेते हैं आज के कोट के बारे में कि क्या है आज का कोट। तो आज का कोट है, सम पीपल ड्रीम ऑफ सक्सेस व्हाइल अदर वेक अप एंड वर्क। काफी सारे लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ सपने देखते हैं, सफलता के सपने देखते हैं, यार कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा बन जाऊंगा, मेरे पास पैसे होंगे, मैं गाड़ी लूंगा, घर लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन जो असल में सफलता पाने वाले लोग होते हैं वो जल्दी उठते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। यानी कि आपको पता है कि आपको ये एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको सिर्फ सोचना नहीं है यार एग्जाम क्रैक हो जाएगा फिर मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। आपको इस समय क्या करना है, पढ़ना है। आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सी चीजें मुझे पढ़ने की ज्यादा जरूरत है, किस पे मुझे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। आपका जो ये टाइम है, आपका जो ये जवानी का समय, इसमें फोकस है कि आपको कुछ करियर बने, कोई जीवन में आप कुछ हासिल करें, ताकि आपके माँ बाप का भी नाम रोशन हो। वो कैसे होगा, जब आप अपने जीवन में फोकस रहेंगे और अपने काम को जो है पूरा करेंगे। तो ये था आज का कोट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हार्डवेयर के बारे में। एक्चुअल में हार्डवेयर होता क्या है? हार्डवेयर रेफर्स टू द मैकेनिकल डिवाइस दैट मेक्स अप कंप्यूटर। हार्डवेयर बेसिकली एक मैकेनिकल कंपोनेंट होता है जिसमें कि बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। यानी कि आप जैसे कि आपने सीपीयू देखा होगा, फॉर एग्जांपल ये आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे क्या कि बहुत सारे कंपोनेंट जो मैकेनिकल पार्ट लगे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या पावर सप्लाई लगी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रैम वगैरह लगी हुई है, वीडियो कार्ड है, साउंड कार्ड है, ये क्या कि मदरबोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे ये क्या ये एक मैकेनिकल पार्ट है, सीडी या डीवीडी। जैसे आप बटन को प्रेस करते हैं यहाँ से, तो क्या होता है कि ये जो डीवीडी है बाहर आती है, या फिर इसमें जो हार्ड डिस्क लगी है वो चेंज हो जाती है, उस पर भी जो है वो घूमती है, या फिर जो भी पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं उसके लिए सॉकेट्स बने होते हैं। तो ये क्या एक हार्डवेयर का पार्ट है जिसको कि आप टच कर सकते हैं, ये फील कर सकते हैं अपने हाथों से छू के। कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट वी कैन पुट टू यूज द कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इनपुट एंड आउटपुट। यानी कि बेसिकली बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो एक साथ जुड़े हैं, जैसे कि रैम होगी, यहाँ पे साउंड कार्ड हो गया, पावर सप्लाई होगी, यहाँ पे ये डीवीडी वाली जो ये जगह ये होगी, या प्रोसेसर हो गया, या मदरबोर्ड हो गया, या हार्ड डिस्क, सभी क्या एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो किस लिए कनेक्टेड है, ताकि जो भी हम इनपुट इसमें दें अपने कीबोर्ड से या माउस से, उससे क्या उसके बाद हमें एक आउटपुट मिले। बेसिकली ये कंट्रोल करता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को। एग्जांपल की बात करें हार्डवेयर, तो सीपीयू इज द एग्जांपल, जैसे कि आप ये सामने देख सकते हैं। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड भी एक तरह का हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, हार्ड डिस्क हार्डवेयर। बेसिकली जिस भी चीज को आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स, उनको हम बोलते हैं हार्डवेयर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अबाउट द सॉफ्टवेयर। एक्चुअल में सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिकली दो शब्द है, सॉफ्ट और वेयर। यानी कि एक ऐसी चीज जिसे कि आप अपने हाथों से छू नहीं सकते, बेसिकली आप उसको फील कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट ड्राइव्स कंप्यूटर टू डू स्टिपुलेटेड टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उन इंस्ट्रक्शन का यूज करके जो है कंप्यूटर्स को चलाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक कंप्यूटर की, या आपका जो स्मार्टफोन जिसपे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो बेसिकली वो कैसे रन कर रहा है, अगर सिर्फ आपका स्मार्टफोन, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ आपका यहाँ पे स्मार्टफोन है, अगर इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये सिर्फ एक खाली डब्बा है, इससे ये बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। इसमें जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, जो वो एंड्रॉइड हो सकता है या फिर जो भी आईओएस हो सकता है, तो वो क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो कि गाइड करती है हार्डवेयर को कि किस तरीके से क्या चीज आपको जो है यहाँ पे परफॉर्म करनी है। बेसिकली सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस आर प्रोग्राम्ड इन कंप्यूटर लैंग्वेजेस ट्रांसलेटेड इनटू अ मशीन लैंग्वेज एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको जो प्रोग्राम किया था, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज उसमें प्रोग्रामिंग की है जिसको कि कंप्यूटर समझ सके, यानी कि कंप्यूटर समझ सके। बेसिकली एक ह्यूमन बींग जैसे मैं हूँ, मैं क्या करूँगा, एक ह्यूमन रीडेबल जो लैंग्वेज है, जैसे C++ हो गई, या जावा हो गई, या पाइथन हो गई, जिसको कि हम समझ सकते हैं,
उस लैंग्वेज में हम क्या करेंगे, कोड करेंगे, उस कोड को बाद में जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर उसको समझ पाए। जीरो और वन बाइनरी, इसी में जो है कंप्यूटर समझता है। तो इस लैंग्वेज में ये बाद में कन्वर्ट होती है और फिर जो है कंप्यूटर अपने इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर जो चलता है, इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू रन द एप्लीकेशन। तो ये क्या करता है कि जो भी एप्लीकेशन है, जैसे अगर स्मार्टफोन की बात करें तो आपका गूगल मैप हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, ये आपकी फोटोज वाला सिस्टम हो गया, ये सारे एप्स वर्क करते हैं किसी न किसी सॉफ्टवेयर पे। उसको जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो उन एप्लीकेशन के लिए क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट यूजर फंक्शनैलिटी। तो ये यूजर फंक्शनैलिटी सपोर्ट करता है, यानी कि यूजर के लिए आप समझ लो कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से यूजर इंटरेक्ट करता है किसी भी हार्डवेयर के साथ। तो अगर बात करूँ एग्जाम्पल सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो जैसे विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स और एंड्रॉयड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वीडियो विंडोज लैपटॉप में देख रहे हैं, कंप्यूटर में, या फिर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन में देख रहे हैं, तो जो एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि एक क्या कर रहा है, एक हार्डवेयर को रन करने में मदद कर रहा है। इसमें हमने ये सॉफ्टवेयर डाल दिया है जिसकी मदद से कि सारा फोन जो है या कंप्यूटर चल रहा है उसी में सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में जो है रन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अबाउट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉमनली डिफाइंड एज एनी प्रोग्राम और नंबर ऑफ प्रोग्राम डिजाइन फॉर एंड यूजर। यानी कि ये वो प्रोग्राम होता है, वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे लिए, यानी कि एंड यूजर, जो कि हमने यूज करना है, एट द एंड स्मार्टफोन या कंप्यूटर हम यूज करेंगे। तो उसके लिए जो व्हाट्सएप आज के समय में मैसेजिंग ऐप है, या फिर जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया संदेश ऐप, वो क्या है, वो एट द एंड हम उनको यूज करेंगे। तो वो जो प्रोग्राम्स या फिर एप्लीकेशंस हैं उनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट इज डिजाइंड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूजर्स टू परफॉर्म वन और मोर टास्क। तो बेसिकली हमारे बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं ताकि हम इजीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए। एग्जाम्पल की बात करें जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल, पावर पॉइंट, एडोब रीडर, या फिर जैसे गूगल मैप्स, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर। तो ये क्या है, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये हैं जो कि रन करते हैं आपके विंडोज लैपटॉप में, आपके मैक में भी और एंड्रॉयड में भी। तो ये सारे के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, दीज सॉफ्टवेयर एनालाइज एंड मेंटेन अ कंप्यूटर। अब कई बार हमें ऐसे सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ जाती है जिनको यूज करके हम अपने कंप्यूटर को जो है सुरक्षित रख सकते हैं, अपने स्मार्टफोन को जो सुरक्षित रख सकते हैं। दीज सॉफ्टवेयर आर फोकस्ड ऑन हाउ ओएस वर्क्स, ऑन दैट बेसिस इट परफॉर्म टास्क टू एनेबल स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। बेसिकली इनका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि किस तरीके से जो ओएस, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको किस तरीके से जो है काम किया जाए, उसको किस तरीके से उसकी फंक्शन को जो है स्मूथ किया जाए ताकि हर एक टास्क जो है इजिली जो है कंप्यूटर में हो जाए। दी सॉफ्टवेयर में कम अलोंग विद ओएस, इट इज पॉसिबल कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ आए। जैसे कि अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो की बात करूँ तो उसमें विंडो डिफेंडर ऑलरेडी पहले जो है माइक्रोसॉफ्ट की ओर से आता है, या फिर विंडोज जो डिस्क क्लीनअप जो होता है, अगर आप सर्च करेंगे कंट्रोल पैनल में जाके तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर एंटीवायरस हो गया, या बैकअप सॉफ्टवेयर, कई सारे बैकअप सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे कि अगर आपका कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आपका डाटा जो है डिलीट हो गया गलती से, तो ऑनलाइन आपको काफ़ी सारे बैकअप सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो कि रिकवर करते हैं आपके डाटा को, या फिर फाइल मैनेजर हो गया जो कि हमारे जो जितना भी डाटा उसको किस तरीके से कंप्यूटर या फिर हमारे स्मार्टफोन में मैनेज करना है। जैसे कि हमने जो सॉन्ग है वो एक अलग फोल्डर में होते हैं, हमारी जो फोटोज है वो अलग फोल्डर में शो होती हैं, तो ये फाइल मैनेजर का काम है। अब डिस्क कंप्रेशन टूल्स हो गए जैसे कि विनजिप या विनआर या 7zip, जो कि हम यूज करते हैं ताकि जो बड़ी फाइल्स हैं उनको हम कंप्रेस कर सकें और इजीली उनको यूज कर सकें। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं सारी यूटिलिटी, यानी कि हमारे जो कंप्यूटर है उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, अच्छे तरीके से वो जो फंक्शन कर पाए, इसलिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो अब फ्रीवेयर क्या होता है। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल एट नो कॉस्ट, मीन्स इट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट।
तो बेसिकली बात करें तो फ्री फ्री यानी कि जो कि विदाउट एनी कॉस्ट हमें कोई चीज मिल रही है, तो ये होगी फ्री इंटरनेट। फॉर एग्जांपल जैसे टेलीग्राम है, ये हमारा व्हाट्सएप है, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो है, या फिर हमारा AIMP जो प्लेयर है, ये टीम व्यूअर होता है, जो कि अगर हम कहीं दूर लोकेशन पे और अगर हमें अपना कंप्यूटर वगैरह एक्सेस करना हमारे स्मार्टफोन से, तो उसके लिए, तो ये सारे क्या है, हमें फ्री में हम इनको अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, तो इन्हें बोलते हैं फ्रीवेयर। अब एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी होते हैं, वो कौन से होते हैं? These kinds of software are available to users with a source code, which means that a user can freely distribute and modify the software. Basically, ये वो software होते हैं जिनका source code की सभी के लिए openly internet पे available होता है। यानी कि किस कौन सा code यहाँ पे use किया गया, क्या क्या इसमें system use किया गया, वो सारा internet पे हमें जो available होता है, उसको हम अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोडर हूँ या प्रोग्रामर, तो उसको इजीली उसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर हमें लगता है कि यहाँ कोई बग है, उसको मैं फिक्स करता हूँ, उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी डाल सकता हूँ। अब ओपन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये फ्री भी हो सकते हैं और चार्जेबल भी हो सकते हैं, क्या ये आपको फ्री भी मिल सकते हैं या फिर इसकी कुछ कॉस्ट भी देनी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपाचे अपाचे वेब सर्वर है, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या फिर मोजिला फायरफॉक्स, ये एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स, या फिर थंडरबर्ड, ये सारे क्या और भी काफी सारे हैं, आप जो नेट पर सर्च कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो कि जिनका की मेन पर्सन, ओपन का मतलब है कि उनका सोर्स कोड आपको इंटरनेट पे मिल जाता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं MCQs रिलेटेड टू दीज टॉपिक जो भी हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले कि लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द प्रिंटेड टेक्स्ट, ड्राइंग और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म इज कॉल्ड। अब हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ा, उसी से रिलेटेड है कि वो सेंसिटिव डिवाइस, लाइट सेंसिटिव डिवाइस, जो कि कन्वर्ट करता है किसी भी टेक्स्ट को या ड्राइंग को या इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में। आपने देखा होगा बहुत सारी जो दुकान वगैरह होती है, मॉल्स वगैरह होते हैं, वहां पे यूज होता है, उसको बोलते हैं स्कैनर। स्कैनर क्या करता है कि जो भी कोई टेक्स्ट है, जो भी कोई ड्राइंग या इमेज है, अगर आप उस पे स्कैनर में डाल देंगे उसको, तो वो इजीली आपको जो है स्कैन करके कोई डिजिटल फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपकी मार्कशीट्स होती हैं या आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, डिजिटल फॉर्म में आपके स्मार्टफोन में अवेलेबल होते हैं, जब उनको आप स्कैन करके जो अपने पास रख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो विच डिवाइस हैज द लिमिटेशन दैट वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट मॉडिफाई और इरेज इट। अब इनमें से वो कौन से डिवाइस हैं जिनको कि हम सिर्फ रीड पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई या इरेज नहीं कर सकते, तो वो होते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD। CD में आपने एक बार उसमें जो भी सिस्टम डाला हुआ है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई गेम की CD है, कोई मूवी की CD, तो आप उसको सिर्फ देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसको आप मॉडिफाई या उसको डिलीट नहीं कर सकते, इसमें CD। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो वो है डैश इज नोन एज द ट्रांसलेटर फॉर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो ट्रांसलेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं असेंबलर। असेंबलर क्या करता है कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट्स टू मदरबोर्ड थ्रू। अब एक यहाँ पे कोई फॉर एग्जाम्पल कोई कंपोनेंट है, ये एक मदरबोर्ड पे यहाँ पे लगा हुआ है, तो कैसे जो है एक मदरबोर्ड से इसके बीच में जो है फंक्शनिंग होती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, तो उनको हम बोलते हैं बस। यानी कि बस, अब बस एक सिंपल सी बात करो, असल में बस क्या करती है, हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। तो वैसे ही जो इसमें बस होती है, बस बेसिकली रास्ता समझ लो, पास समझ लो, जहां से कि इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है, डाटा ट्रैवल होता है, तो इसका आंसर है बस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, द डाटा बस इज डैश डायरेक्शनल। अब जो डाटा बस होती है वो कौन सी डायरेक्शनल होती है, यानी कि एक डायरेक्शन में जा सकती है, एक दूसरे डायरेक्शन में जा सकती है, दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, तो बेसिकली ये बाई डायरेक्शन होती है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी कि वो ऐसे भी जा सकती है और वो ऐसे भी जा सकती है, यानी कि बाई डायरेक्शन होती है जो डाटा बस होती है। नेक्स्ट हम बात करें DASD इज एन एक्रोनिम फॉर, यानी कि DASD की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, यानी कि डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, यानी कि
डायरेक्ट असेस स्टोरेज डिवाइस जो इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है डैश इज द ट्रांसलेटर विच परफॉर्म्स मैक्रो एक्सपेंशन टास्क। अब वो कौन सा ट्रांसलेटर है जो कि मैक्रो जो टास्क है उनको परफॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं मैक्रो प्री प्रोसेसर। अब जो मैक्रो प्री प्रोसेसर होता है वो एक ट्रांसलेटर होता है जो कि मैक्रो लेवल पे जो है टास्क को जो है परफॉर्म करता है। नेक्स्ट बात करें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 की तो वो है विच इज द सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम में जो सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हमारे कंप्यूटर या आप लैपटॉप की बात करें उनमें सेकेंडरी स्टोरेज को बोलते हैं, तो वो बोलते हैं हम अपनी हार्ड डिस्क को या फिर आज के समय में SSDs अवेलेबल होती हैं जो कि हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट होती हैं, तो वो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज में ही आती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंसिस्ट ऑफ अ फुल सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज टर्म्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज। सॉफ्टवेयर पैकेज यानी कि सॉफ्टवेयर पैकेज क्या होता है यानी कि फुल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें कि बहुत सारे और भी आपको डिफरेंट फाइल्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है जब आप उसको ओपन करेंगे उस फोल्डर को स्पेसिफिक आपको बहुत सारी फाइल्स जो है डिफरेंट फाइल्स जो आपको देखने को मिल जाएंगी। आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक आपको जो डिफरेंट फाइल जो उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगी, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है और प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोसेस। जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोसेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन रिलेटेड टू द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक से। सो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप जो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं या फिर आप हमें जो है @ElitePlatAcademy हैंडल पर भी हमें पूछ सकते हैं। सो यही कुछ था आज के इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। सो हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। कोई भी आपका फ्रेंड अगर स्टडी कर रहा है आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आप उसको शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले समय में और भी एग्जाम से रिलेटेड आपको वीडियो जो है टाइम पे मिलती रहे और ये सीरीज भी आगे कंटिन्यू होगी तो आप जो इस पे भी बने रहें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।